आप सबका दिल से स्वागत। आज पार्ट टू है आनंद अंबानी की प्री वेडिंग का। आज पार्टी का वीडियो है, परफॉर्मेंस का वीडियो है। आज जो एंड में स्टोरी है ना, वो एकदम हटके है। आई नो रोज़ की स्टोरी हटके रहती है, बट आज कुछ अलग ही चीज़ है जो आई डोंट थिंक सो आज तक आपने देखा होगा। जो हारेगा वो मर जाएगा, मतलब एक गेम है, बोल सकते हैं डेथ गेम। अब वो गेम क्यों खेली जा रही है और वो गेम में जो हारता है वो क्यों मर जाएगा, कौन हारने वाले की साइड लेगा, कौन किसको बचाने की ट्राई करेगा, कौन किसको मारने की ट्राई करेगा, बहुत सस्पेंस है, एक्शन है, ड्रामा है। तो वो जो एंड की स्टोरी है ना, वो आप मिस मत करना। उसके एंड पार्ट तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि एंड में क्या होने वाला है। उसके अलावा मनीषा रानी झलक दिखला जा जीती, जो मैंने मेरे वीडियो में बताया था पहले से ही, अब उस पर पब्लिक रिएक्शन आया है, तो पब्लिक रिएक्शन आप मिस मत करना। उसके अलावा आनंद अंबानी की जो प्री वेडिंग है उसके अंदर अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर सिंह, MS धोनी, रणबीर कपूर, सैफ अली खान, करीना, मतलब बॉलीवुड का मेला लगने वाला है आज, मेला। हम वीडियो चालू करें उसके पहले छोटी सी प्रेयर करते हैं, ये पूरी दुनिया में अमन शांति रहे। जो इंसान बहुत मेहनत करता है उसे कामयाबी मिले। हर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे। आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ ना आए, कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर प्रॉब्लम आती भी है तो वो रास्ता बताएगा। आप पेशेंस सब्र रखना, तकलीफ़ चले जाएगी, आपके घर पर खुशियाँ आए। ऊपर वाला हर इंसान को अच्छा दिमाग दे, अच्छी सोच दे, ताकि कभी कोई इंसान गलत काम ना कर सके, बुरे काम ना कर सके। हम वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मनीषा रानी जीती तो पब्लिक का क्या रिएक्शन आया। इन्होंने ईयर्स लिखा है, बट आई हैव टीयर्स इन माय आईज। ये कहना ये चाहते हैं, रानी यू डिड इट, मेरा बच्चा, मोस्ट डिजर्विंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, कीप शाइनिंग, कीप मेकिंग अस प्राउड, राधा रानी इज ऑलवेज विथ यू, हरे कृष्णा, कॉन्ग्रेचुलेशन। मनीषा जस्ट वॉन बिकॉज ऑफ वोट्स, शी वॉज नॉट एट ऑल डिजर्विंग, अदर्स वर मच डिजर्विंग एंड फंटास्टिक। वाइल्ड कार्ड में जब ये आई मुझे तभी पता चल गया था शी विल विन एनी हाउ। बहुत गलत हुआ है दूसरे कंटेस्टेंट के साथ। छोटे छोटे चार कमेंट एक साथ ले लेते हैं। थैंक गॉड ये शो बिग बॉस की तरह बायस नहीं है, बस यही चाहिए था, शी डिजर्व इट, हार्ट हार्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। अनडिजर्विंग, शोएब डिजर्व करता है, फाइनली शी कैन से नाउ वाइल्ड कार्ड भी डिजर्विंग होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डिजर्व्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस हार्ट। मनीषा रानी अक्का हमारी रानी, शी डेफिनेटली डांस्ड वेल, बट इट्स इनजस्टिस टूवर्ड्स दोज हु आर परफॉर्मिंग फ्रॉम बिगनिंग। वाइल्ड कार्ड तो अभी रिसेंटली आए हैं, बेबी की तरह ये भी अब फजूल है, शोएब डिजर्विंग था। ये लास्ट कमेंट लेते हैं, बकवास डिसीजन, ओनली अद्रिजा एंड आकाश डिजर्व टू विन, फिक्स्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन, एग्री। आनंद अंबानी की वेडिंग में सबसे पहले हम देखते हैं अक्षय कुमार। रणवीर सिंह, सलमान खान, रणवीर सिंह डांस करके टाइगर श्रॉफ के पास जा रहे हैं। रणवीर सिंह और दीपिका, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी का छोटा परफॉर्मेंस, सलमान खान और आनंद अंबानी, सिद्धार्थ और रणबीर कपूर, विकी कौशल, कतरीना कैफ, जानवी कपूर का छोटा डांस रिहाना के साथ, सैफ अली खान, करीना कपूर, रामचरण, MS धोनी, आर्यन खान। हम देखेंगे सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान का वीडियो और वो इंटरेस्टिंग स्टोरी गेम ऑफ डेथ की।
उसके पहले मुझे आप सबको थैंक यू सो मच कहना है जिन्होंने मेरी कल की वीडियो लाइक की, कमेंट किया, जो आज की वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और अगर आप लाइक और कमेंट नहीं भी करते हो, आप चैनल पर आते हो, आप वीडियो देखते हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान एक साथ। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थ्रिलर स्टोरी है एकांत में बैठ जाना। ये कहानी में है एलेक्स और डैनियल। डैनियल की जो वाइफ है उसका नाम है चैरिटी। एलेक्स है उसके मदर फादर का नाम है टॉनी और पैकी। एलेक्स की सिस्टर है उसका नाम है एमिली और एमिली के हस्बैंड का नाम है फिज। उनके दो लड़के हैं जॉर्ज और जॉन। एलेक्स की एक आंटी है हेलन। उनके हस्बैंड जो मर गए उनका नाम था चार्ल्स। साथ में है बटलर और मेड। ये जो मैंने नाम बताया ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कौन क्या कर रहा है आपको अच्छी तरीके से पता चले। ये लोग की है ना फैमिली के एक रिचुअल्स है कि जो भी शादी करता है और एक नया मेंबर अगर घर पर आता है तो ये पूरी फैमिली है ना उसके साथ एक गेम खेलती है। नॉर्मली जितनी गेम्स है उसके अंदर सिर्फ एक गेम डेंजर है, बाकी सब गेम रनिंग, ट्रूथ और डेयर, स्टैंड फॉर वन आवर, तो ये सब नॉर्मल गेम है। ये गेम में कोई तकलीफ नहीं है, खाली एक ही एक ऐसी गेम है हाइड एंड सीक। अगर वो गेम ये लोग खेलते हैं सामने वाला मेंबर छुपेगा और फैमिली उसे ढूंढेगी। अब वो अगर मिल गया तो उसे मार डालेंगे और अगर वो नहीं मिलता तो सुबह होते ही फैमिली अपने आप मर जाएगी, ऐसा इन लोगों का मानना था। और अगर ये लोग गेम नहीं खेलते तो इनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। फिर से एक बार बताता हूँ, दूसरी सब गेम्स अगर ये लोग खेलते हैं तो किसी की जान नहीं जाएगी, पर अगर हाइड एंड सीक ये लोग खेलते हैं तो जो हारा उसकी जान गई। अब ये फैसला कैसे होता है कि कौन सी गेम खेलेगी, तो जो नया मेंबर आता है वो एक बॉक्स में से कार्ड निकालता है, वो कार्ड के ऊपर लिखा होता है कि कौन सी गेम है। वो गेम डिसाइड करेगी फैमिली का और नए मेंबर का क्या फ्यूचर है। अब होता क्या है, एलेक्स और डैनियल जब छोटे होते हैं, एलेक्स की जो आंट है हेलन उसकी शादी होती है चार्ल्स से। चार्ल्स नया मेंबर आया, वो लोग वो गेम खेलते हैं, बॉक्स के अंदर जो कार्ड रहता है वो निकलता है हाइड एंड सीक का। तो अभी चार्ल्स को छुपना है, चार्ल्स मिल गया तो ये लोग उसे मार डालेंगे और अगर वो लोग ढूंढ नहीं पाए चार्ल्स को और सुबह हो गई तो ये लोग मर जाएंगे। चार्ल्स को पता चल जाता है कि क्या गेम है, चार्ल्स भागता है। उस वक्त डैनियल छोटा है और डैनियल को ये गेम पसंद नहीं होती, डैनियल को थोड़ी नॉलेज रहती है, वो छोटा रहता है। तभी एलेक्स को कहता है तू छुप जा और डैनियल खड़ा है। चार्ल्स डैनियल के पास आता है और डैनियल को बोलता है मुझे बचा ले। डैनियल डर जाता है और चिल्ला देता है फैमिली को। पूरी फैमिली आती है, हेलन जो एलेक्स की आंट है वो बहुत रोती है मेरे पति को मत मारो, बट वो लोग पति को मार देते हैं क्योंकि वो लोग का ये मानना रहता है अगर वो लोग नहीं मारेंगे तो सुबह में वो लोग अपने आप मर जाएंगे जैसे रिचुअल्स में है। अब 30 साल के बाद एलेक्स जवान हो गया है, डैनियल की शादी हुई थी, पर डैनियल की शादी के वक्त जो बॉक्स के अंदर से कार्ड आया था वो हाइड एंड सिक का नहीं था। तो डैनियल की वाइफ चैरिटी वो बची हुई है, बट डैनियल की वाइफ जो चैरिटी है वो भी इन लोगों के साथ फिर इन्वॉल्व हो जाती है। अब एलेक्स की शादी का टाइम आता है, तो एलेक्स की शादी होती है ग्रेस नाम की लड़की से जो अनाथ है, और वो बहुत खुश होती है इतने बड़े परिवार में आके। सेम उसके साथ भी वो गेम खेली जाती है, गेम खेलते हैं तो उसके बॉक्स के अंदर कार्ड आता है हाइड एंड सीक का। अब एलेक्स फुल टेंशन में, और एलेक्स ग्रेस को अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करता है, ग्रेस उसकी बात नहीं सुनती और ग्रेस बहुत खुश रहती है कि हाइड एंड सीक है, छुपना तो है और क्या है, तो जाकर छुप जाती है। अब पूरा परिवार हथियार लेके उसे मारने के लिए निकल पड़ा है, ग्रेस को कुछ भी नहीं पता है। वो एक जगह छिप के खड़ी होती है तब पीछे से एक हाथ आता है और उसे पीछे कर देता है, तो देखती है तो कौन रहता है, एलेक्स। इसके पहले कि एलेक्स उसे कुछ समझाए, एमिली जो एलेक्स की बहन है एक मेड रहती है, तो एमिली समझती है कि वो मेड जो है वो ग्रेस है, पर एमिली वो मेड को उड़ा देती है। तब ग्रेस देख लेती है और ग्रेस रोने लग जाती है और ग्रेस को कुछ समझ में नहीं आता।
अब एलेक्स उसे सब समझाता है कि भाई ऐसा ऐसा है, और उसे कहता है मैं काम करता हूँ, मैं पूरा घर है ना अनलॉक करता हूँ, तो कहाँ ना कहाँ से बाहर निकल जा, और उसे एक अलग जगह पर जाकर रुकने के लिए कहता है। अब जहाँ पर वो जाती है वहाँ पर लोगों को पता चल जाता है, वो अपने आप को बचाते हुए वहाँ से भागती है। उसके बाद ये जहाँ पर पहुँचती है वहाँ पर डैनियल रहता है। अब डैनियल को उसकी फैमिली की भी साइड लेनी है, साथ में उसे गिल्ड भी है। 30 साल पहले अगर वो चिल्लाता नहीं तो चार्ल्स बच जाता। डैनियल को ये सब चीज़ें रॉन्ग लगती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, और डैनियल को इस लड़की की जान बचानी रहती है। तो डैनियल के पास जब वो लड़की आती है, ग्रेस, एलेक्स की वाइफ, तो डैनियल उसे भगा देता है। इसके बाद वो बाहर निकलती है और फार्म की तरफ चले जाती है। तो फार्म की तरफ एमिली का लड़का आता है। अब ग्रेस को ऐसा लगता है ये तो छोटा लड़का, तो ग्रेस जो रहती है वो टेंशन फ्री होकर उसके पास जाने लगती है। तो जो छोटा लड़का रहता है वो गोली मारता है उसके हाथ में। अब ग्रेस की एकदम हट जाती है, तो ग्रेस उस छोटे लड़के को फाइट मारती है और वो गिर जाती है। जहाँ पर वो गिरती है वहाँ पर डेड बॉडीज रहती है, और टॉनी जो रहता है उसे पता चल जाता है कि एलेक्स उसे बचा रहा है। टॉनी कौन? एलेक्स के डैडी। उन दोनों की फ़ाइट हो जाती है। वहाँ पर डैनियल भी आता है। मौका पाते ही टॉनी एलेक्स को पीछे से मार देता है, और डैनियल फैमिली को भी हेल्प करते रहता है, साथ में वो लड़की की भी जान बचानी हो। डैनियल और टॉनी मिल के एलेक्स को बांध देते हैं। अब एलेक्स की मॉम आती है और एलेक्स को समझाती है कि भाई तू ये गलत कर रहा है, अगर हम ये फॉलो नहीं करेंगे ना तो सुबह में हम सब मर जाएंगे। ग्रेस जैसे तैसे करके घर के बाहर पहुँचती, बटलर उसे पकड़ लेता है, टॉनी को और डैनियल को इन्फॉर्म कर देता है। ग्रेस को कार के अंदर डाल के लेके जाता रहता है। ग्रेस कार को क्रैश करा देती है। अब जैसे ग्रेस बाहर निकलती है टॉनी और डैनियल उसे पकड़ लेते हैं। अब वो लोग लेकर आते हैं, वो लोग ग्रेस को बांध देते हैं, रिचुअल्स पूरी करने के लिए उसे मारने जाते हैं। मारने से पहले वो लोग को लिक्विड पीना होता है। डैनियल ने लिक्विड में कुछ मिला दिया होता है जिससे ये लोग की तबीयत थोड़े टाइम तक ख़राब रहेगी और मुँह से खून निकलता रहेगा। ये लोग को पता चल जाता है कि डैनियल ने कुछ चीज़ें की है, उसके वजह से इन लोगों की तबीयत ख़राब हो गई है। डैनियल ग्रेस को कहता है तू भाग। डैनियल के जो वाइफ रहती है चैरिटी वहाँ पर आ जाती है। डैनियल ग्रेस के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि नहीं मत मार इसको। जो चैरिटी रहती है वो डैनियल को भी मार देती है, क्योंकि चैरिटी को ऐसा रहता है कि ग्रेस को नहीं मारेगी तो हम सब मर जाएंगे। अब ग्रेस वहाँ से भाग जाती है। अब थोड़ा वो आगे जाती है तो उसे पैकी मिलती है। ग्रेस की और पैकी की फ़ाइट होती है, उसमें ग्रेस क्या करती है पैकी को मार डालती है। उसी वक्त वहाँ पर एलेक्स आता है और एलेक्स सब चीज़ें देख लेता है। एलेक्स को एक तो दुख रहता है कि उसकी माँ को ग्रेस ने मार डाला। एलेक्स उसके पास आता है बट ग्रेस डरती है, और एलेक्स को जब ये विश्वास हो जाता है कि ग्रेस अब मेरे पास कभी नहीं आएगी और उसने मेरी माँ को भी मार डाली, तो एलेक्स उसको पकड़ लेता है और पकड़ कर लेकर जाता है, और फिर से वो अटक जाती है और रिचुअल्स पूरा करने का टाइम आता है। अब एलेक्स खुद ही उसे मारने जाता है, उसका पति। जब वो मारने जाता है वो अपने आप को टर्न कर लेती है और सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद ये लोग देखते हैं कि ये लोग को कुछ नहीं हुआ, ये लोग मरे नहीं, तो ये लोग सरप्राइज हो जाते हैं। बट हेलन रहती है, उसका पति ऐसे ही मरा होता है। तो हेलन बोलती है मैं तो कैसे भी करके ग्रेस को मारूंगी। वो ग्रेस को मारने जाती है, उसी वक्त हेलन फट जाती है, मतलब हेलन मर जाती है। जैसे उनके रिचुअल्स में है, आप गेम खेलते हो हाइड एंड सीक, सुबह तक आप सामने वाले को नहीं मारते हो तो आप खुद मर जाओगे। हेलन मरती है, फिर चैरिटी, एमिली, टॉनी, फिज, हर कोई मरते जाता है, और एंड में एलेक्स बचता है। तो एलेक्स ग्रेस को कहता है मैं वैसा नहीं हूँ, मैं मेरी फैमिली के जैसा नहीं हूँ। तो ग्रेस उसकी तरफ देखती है और मन में कहती है कि अगर ये ऐसा नहीं रहता तो ये खुद ही मुझे पकड़ कर यहाँ पर क्यों लेकर आया। वो अंगूठी निकालती है, उसके हाथ में देती है। उसी वक्त एलेक्स भी फट जाता है, वो भी मर जाता है, ग्रेस अकेली बचती है। ये पूरी एंटरटेनमेंट स्टोरी थी, होप आपको पसंद आई हो। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की, इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।